सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 857वीं जयंती 5 मई से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं अजमेर शहर के अंदर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति अजमेर की एक बैठक रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें समिति के तत्वावधान में देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती की 5 मई से 16 मई तक पखवाड़े के रूप में मनाई जाएगी। इन कार्यक्रमों में अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, पर्यटन विभाग, अजमेर डेयरी, पृथ्वीराज ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का सहयोग रहता है। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश 16 मई 2023 को मुख्य कार्यक्रम तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर भव्य व गरिमापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पखवाड़े के तहत 5 मई को रंग भरो प्रतियोगिता, 6 मई को देशभक्ति एकल गायन प्रतियोगिता, 7 व 8 मई को राइफल व तीरंदाजी प्रतियोगिता, 9 से 11 मई को हॉकी प्रतियोगिता, 12 से 14 मई टेनिस प्रतियोगिता, 14 मई मैराथन दौड़, 15 मई विचार गोष्ठी प्रश्नोत्तरी, 16 मई मुख्य कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा व गत वर्ष की काव्य प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आज बैठक में पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, पूर्व उप महापौर संपत सांकला, कमल प्रकाश विक्रम सिंह, दुर्गा प्रसाद शर्मा, हिम्मत सिंह राठौर, रामस्वरूप कुड़ी, शैलेंद्र सिंह परमार, राम धनवानी, मिलिंद तंवर, शिव प्रसाद गौतम, पुरुषोत्तम तेजवानी, निर्मल सिंह राठौर, विक्रम सिंह, बलदेव चारण, लोकेंद्र सिंह राठौर, मुकेश खींची सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 857वीं जयंती 16 मई के दिन होने वाली है और निश्चित रूप से जिस तरीके से समारोह समिति प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करती है, 5 मई से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं अजमेर शहर के अंदर। और इस कार्यक्रमों के अंदर सभी तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी, चाहे वो रंग भरो प्रतियोगिता हो, चाहे गायन प्रतियोगिता हो और तीरंदाजी प्रतियोगिता है, हॉकी प्रतियोगिता है, टेनिस की प्रतियोगिता है तथा मैराथन दौड़ के साथ में संगोष्ठी का कार्यक्रम इस पखवाड़े के अंदर होने वाला है। समारोह समिति की आज बैठक के अंदर ये पूरे निर्णय लिए गए कि किस तरीके से इन सारे कार्यक्रमों को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। इस पूरे कार्यक्रमों के अंदर अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, पर्यटन विभाग, अजमेर डेयरी व शोधपीठ मिलकर इन सभी कार्यक्रमों को समारोह समिति के साथ अंजाम देती है।